हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सर, मैं हूं मुबशिर। सुबह आज के लोग काफी ज्यादा कमाल की लगे, तकदीर वाले का अगला पार्ट लेकर आ गए हैं। पिछले सीन बहुत ही ज्यादा फनी था, तो स्टार्ट करेगा साले को मशीन में मेरे 1000 रुपए। पहले हम इसका डिसाइड करूंगा, फिर तुम्हारा डिसाइड करूंगा। कब करेंगे? डिसाइड करूंगा, तब तक यहीं खड़ा रहे पुतले की तरह। ओके, ये तो बड़े डरपोक सा हीरो है यार अपना। ए एडिटर, अब हम तेरा डिसाइड करूंगा। तो क्या आप मेरा मर्डर करेंगे? हम तेरा मर्डर नहीं करूंगा, बल्कि तेरे से मर्डर करवाऊंगा। अरे हम तेरे को कभी बनाने को बोला, तू हमको बदनाम किया, अब हम तेरे को खूनी बनाएगा। अंकिल, बरसात बढ़ती जा रही, पता नहीं छोटे बाबू क्यों नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। अरे तू कब तक बारिश में भीगता रहेगा? सर्दी लग जाएगी। चल मंदिर में बैठ के इंतजार करेंगे। छोटा रावण ने मुझे यहीं खड़ा रहने को बोला है। मैं यहाँ से चला गया तो मुझे 1000 रुपए नहीं देगा। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तू अपने जीप पर अड़ा रहे, मैं चला मंदिर में, कोई सुनता ही नहीं। बहुत तलाश किया मालकिन, लेकिन छोटे बाबू को कहीं पता नहीं चला। लगता है वो बरसात की वजह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रह गए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मालकिन, तब से आप इसी जगह पे खड़ी हैं। चलकर कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए, जाइए। इनका माँ का रोल बहुत कमाल होता था। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी सर्दी लग गई है, शाम तक हालत ठीक हो जाएगी। यू विल बी ऑल राइट। माँ, माँ मैं पैसे कमाऊंगा, पैलेस खरीदूंगा। माँ तुझे अपने पैलेस में ले जाऊंगा, माँ जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, पैलेस में जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, तेरा राजा बेटा बनूंगा माँ, पैलेस में ले जाऊंगा तुझे। सारी गलती मेरी है मालकिन, मैंने तैश में आकर बीते हुए कल की सारी बातें छोटे बाबू को बता दी। बात यहां तक पड़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मालकिन, छोटे बाबू की लगन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन वो आपकी खोई हुई सारी दौलत इज्जत हासिल करके देंगे आपको। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी ना जाने क्या लिखा है भविष्य में। चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतार कर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आगे चित्रगुप्त ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई,
तो ये वेद से मेरी पिटाई करेंगे। चंद्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु, कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज सूरज, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सूरज, क्या है, क्या हुआ, बोल ना क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, वो किताब, 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 वो देखो, बाय किताब, वो वो पुस्तक है भाई, भाई इसने लिखा तो ये पुस्तक है जिसको ढूंढने आया है ना। इतनी भारी चीज तोड़ दिया भाई छत वाला। भविष्यवाणी धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे, क्या परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है? इसमें लिखा है, जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है, नहीं है। आ गया, है ना यार? देख, कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या, इसमें जो लिखा है वही हुआ? तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अकुम अकुम लॉटरी। नौजवान शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव, सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु, हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज, जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा, यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा, इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु, बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। उसको तो 2 करोड़ की लॉटरी का पता है, उसको पता चल गया। इधर से मूवी मुझे बहुत फिट लग रही है क्योंकि अभी उसको लॉटरी का पता चल गया, एक का सर फूटने वाला था उसको ईंट लग गई है, अब 2 करोड़ की वो एक दूसरे अपना भविष्य देख सकते हैं। और ये डर रहे हैं, इनको डरा दिया कि मतलब अगर तुमसे देवी शक्ति छीन जाएगी क्या होता है, आगे तो आगे देखेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।